नमस्कार, पूर्वांचल समाचार देख रहे हैं आप और मैं बुद्धेश्वर शुक्ला। और अभी हम मौजूद हैं बड़हरा अपेक्ष अध्यक्ष, जो कुचायकोट प्रखंड के अंतर्गत आता है। बड़हरा अपेक्ष के निवर्तमान अध्यक्ष महेश राय, जो भावी प्रत्याशी भी हैं अपेक्ष के उपचुनाव में, और गोपालगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी हैं। और इनके अंतर्गत कई सारे पैक्स आते हैं और फिलहाल ये पैक्स प्रत्याशी भी हैं अपने पंचायत। और इनसे हम बात करेंगे, कुछ बातें होंगी कि कैसे क्या विधि व्यवस्था इन्होंने अपने टैक्स के लिए रखा है, जो कोऑपरेटिव बैंक के लिए रखा है। बहुत बहुत स्वागत है महेश राय जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम। सबसे पहले आप बताइए कि अपना राजनीतिक पृष्ठभूमि पहले से ही रहा है, इसके बजाय आपने कब से पदार्पण किया इस राजनीतिक मतलब क्षेत्र में? सहकारिता के क्षेत्र में मैं पहली बार वर्ष 2006 में गोपालगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का निर्वाचित अध्यक्ष हुआ। उसके बाद बड़हरा पैक्स में वर्ष 2009 में मैं पहली बार अध्यक्ष। उसके 2009 में आपको मतलब पहली बार चुनाव लड़े थे, तो क्या निर्विरोध हुए थे या फिर कोई साथ में भी चुनाव लड़ा था आपके खिलाफ? नहीं, 2009 में भी बैलेट द्वारा निर्वाचित ही कार्यकारिणी का चुनाव हुआ था, जिसमें मैं अध्यक्ष चुना गया। तो जैसे कि आपने सुना कि 2009 से लगातार अभी तक, मतलब अभी उपचुनाव होने के 2 साल पहले तक ये अध्यक्ष रहे हैं बड़ा पैक्स के। इस दौरान आपने अपने पैक्स को क्या बेहतर सुविधाएं दी हैं किसानों के लिए, क्या सेवाएं मुहैया कराएं? देखिए, 2009 में जब मैं पहली बार अध्यक्ष चुना गया तो मुझे वरदान के रूप में एक डिफरकेटेड सोसाइटी मिली, जहां पब्लिक का करोड़ों रुपया बैंकिंग में जमा था। हालांकि ये नियम संगत नहीं था, लेकिन तत्काल अगर मैं बंद करता उस व्यवस्था को तो स्थिति और विस्फोटक होती, क्योंकि समिति के खाते में एक भी पैसा नहीं था। कैडर प्रबंधक हरिहर नाथ राय एवं संजय राय द्वारा सारे समिति के पैसे गलत तरीके से ऋण दिखाकर बांट दिए गए थे। तो मैं कहिए कि जिले के इतिहास में पहली बार कोई भी डिफरकेटेड समिति से संबंधित लोगों से पैसे की वसूली नहीं हो पाई है, लेकिन जिले के इतिहास में पहली बार मैंने कैडर प्रबंधक हरिहर नाथ राय और संजय राय से वसूली करा, पैसों की वसूली करा और 75% पब्लिक का पैसा बंटवा दिया। और इसके अलावा आप दी गोपालगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारे पैक्स यानी जिले के सभी पैक्स आते भी हैं। और इन दौरान आपने उन लोगों को क्या सेवाएं दी, क्या सुविधाएं दी, जिससे कि किसान लाभान्वित हो सके और इसका पूरा फायदा उठा सके? देखिए, पैक्स के माध्यम से किसानों को खाद मुहैया कराई जाती थी, लेकिन सरकार द्वारा नियम बदले और खाद लाइसेंस के लिए वर्तमान में एक BSCAG या BSC केमिस्ट्री होना जरूरी है। तो पैक्स सक्षम नहीं थे कि इतना खर्च बियर कर पाए एक BSCAG व्यक्ति को या BSC केमिस्ट्री किए हुए व्यक्ति को रखना, उसको सैलरी देना पैक्स के लिए थोड़ा कठिन कार्य है। तो हम लोगों ने पूरे जिले में करीबन 10 से 12 केंद्र बिस्कोमान और इफको के माध्यम से खुलवाए, जहां से किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर खाद मुहैया कराई जाती है। जैसे कुचायकोट के लिए हम लोगों ने बेलवनवा में खुलवाया है बिस्कोमान कृषक सेवा केंद्र, माझा में है, बरौली में है, ऐसे ही करके मीरगंज व्यापार मंडल में है। तो जिले में करीब करीब 10 से 12 जगहों पर ये केंद्र कार्यरत हैं, जहां से किसान सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर खाद उठाव करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपने बड़हरा पैक्स से लेकर के गोपालगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को मतलब ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है, लेकिन ये बताइए कि आपका खुद का पैक्स जहां अभी उपचुनाव होने जा रहा है, यहां ऐसी स्थिति क्यों आई, जबकि सब जगह 2019 में चुनाव हुए और अभी 2 साल बाद आपका यहाँ चुनाव होने जा रहा है? आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई? आप अपने पैक्स जो पंचायत का पैक्स है इसको बहुत विकसित किए, फिर भी यहाँ उपचुनाव नहीं हो पाया, क्या मानकों पर खरा नहीं उतरा या क्या कुछ खामियां रह गई? जी, खामियां यहाँ रह गई थी, जैसा मैंने पूर्व में ही बताया कि मुझे वरदान स्वरूप एक डिफरकेटेड संस्था मिली जब मैं पहली बार निर्वाचित हुआ। उसके बाद 75% पब्लिक का पैसा बंटवाने के बाद मेन जरूरी था कि समिति का अंकेक्षण, अंकेक्षण से कैडर प्रबंधक और सहायक प्रबंधक दोनों चाचा भतीजा से दोनों भागते रहे।
उन लोगों ने तब तक अंकेक्षण नहीं कराया जब तक हमारी समिति सुपरसीड माने सुपरसीड नहीं कर दी और यहाँ प्रशासक नहीं किया। प्रशासक के दौर में अभी एक वर्ष पूर्व समिति का अंकेक्षण कराया गया है, उसके बाद अभी जो चुनाव चुनाव होने हैं इसमें इस समिति का भी नाम शामिल हुआ और यहाँ चुनाव होने। मतलब अगर प्रशासक यहाँ का नहीं रहता मतलब पदेन अध्यक्ष तो यहाँ अंकेक्षण नहीं हो पाता और शायद अभी भी कुछ मतलब कमजोरी बनी रहती पैक्स की, तो उसके लिए यहाँ उपचुनाव कराना पड़ रहा है, अभी समय से नहीं हो सका। और ये बताइए अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं इसके बाद से आपका कुछ विजन क्या है, क्या कुछ और करना बाकी है यहाँ से बड़ा पैक्स से लेकर के और गोपालगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक तक? सर्वप्रथम मेरा यही दायित्व होगा कि जो बकाया 25% पब्लिक की देनदारी रह गई है उसको मैं संबंधितों से वसूल करा, उनको भुगतान करा दूं। दूसरी मेरी प्राथमिकता होगी कि बिस्कोमान के माध्यम से, बिस्कोमान का एक किसान सेवा केंद्र अपने पैक्स में स्थापित करा दूं कि केवल मेरे ही पैक्स नहीं बल्कि अगल बगल 8-10 पंचायत और 8-10 पैक्स के किसान सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर खाद का उठाव कर सके और इससे लाभान्वित हो सके। और दूसरा हमारी सोच एक ये भी है कि गुजरात के तर्ज पर किसी भी अच्छी डेयरी से बात कर यहाँ एक छोटा सा चिलिंग प्लांट लगवाने का और देसी गायों का वितरण का लक्ष्य होगा कि हमारे जो भी किसान गोपालक होंगे उनको हम कोऑपरेटिव बैंक से ऋण मुहैया कराएंगे और उनका दूध यहाँ कलेक्शन सेंटर से जमा होकर डेयरी। और ये बताइए कि जो वर्तमान समय में भी आप चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसा क्या लग रहा है कि मतलब जनता का समर्थन मिल रहा है या किसानों का समर्थन मिल रहा है या फिर जो आपके प्रतिद्वंदी चुनाव लड़ रहे हैं उनको कुछ बड़ी टक्कर मिल रही है? जी, जनता का मुझे बहुत ही सहयोग और अपार समर्थन मिल रहा है। इसका कारण है कि जनता को हम पे विश्वास है कि ये एक ऐसे व्यक्ति है कि जिन्होंने डूबा हुआ पैसा पब्लिक का बंटवा दिया, 75% बंटवा दिया, तो इसलिए जनता को हम पे विश्वास है और मैं जनता के विश्वास पे खरा उतरने की हर संभव कोशिश।